अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्क प्लेस का विज़िट कराऊंगी कि मेरी सारी वर्क प्लेस जो है ना सारी रेडी है। मैं आप भी इधर से चेक करवाती हूँ सारी, ये देखें। ये देखें सारी स्लैब जो है ना, ये देखें। इधर से ये न्यू टेक्सचर मैंने बनाया है सैंड का, सैंड और वाइट। उसमें मैंने चाक मिट्टी डाली है उसमें वाइट, और ये वाले भी हो गए हैं ड्राई। ये येलो टेक्सचर भी हो गया है, ये रेड और ये भी रेड। और अब बस वो मैंने वैसे ही उस मोबाइल में बना ली थी वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं अब नहीं बनाऊंगी उसमें, क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि वो बस बना लिया था, तो फिर मैंने कहा चलो अब बन गया तो उसको अपलोड कर देती हूँ, वरना मैं नहीं लगाऊंगी ना ऐसा कभी भी ना व्लॉग। ज़ाहिर है आप लोगों के लिए बनाना है, अगर नज़र ही नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसे ही ना अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें एक्सपेंसिव निकला ना कील, इसीलिए मुझे डर लगता था कि मेरे हाथ में लग जाएगा। आज कुछ मैंने इसका जो पार्ट था ना ड्राई किया हुआ था ना कल, तो उसको मैंने कर लिया था शिफ्ट करके, उसको मैंने उसकी स्लैब बना ली। सारी वर्क प्लेस जो है ना मेरी रेडी है। थोड़ी सी धूप आ रही है हाथों पे, तो चलो मैं बस इधर से उठने लगी हूँ। काफी सॉफ्ट है, इसमें मैं कोई कंक्रीट नहीं डालूंगी, कंक्रीट से ना हार्ड हो जाते हैं सारे टेक्सचर। ये प्योर चारकोल है और इसमें मैंने ना एशिज डाली हुई है कुछ। ये देखें फुल क्रमलिंग व्लॉग होने वाला है आज। ये सही ड्राई हो गया है, इस वजह से ये वाला ना ये जो टेक्सचर है ना, अभी ये जो स्पेशल व्लॉग के लिए, ये देखें ये स्लैब मैंने बनाई है, कितनी बिग बनाई है, इसी टेक्सचर की बनाई है। ये देखें कितनी बड़ी स्लैब बनाई है मैंने, ऐसे ये ड्राई हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको कर लूँगी, तोड़ लूँगी।
बहुत सॉफ्ट है ये। बच्चे जो है ना छतों पे खेल रहे हैं, तो फिर मैं ना अगर उनको मना करूंगी ना फिर वो ज़्यादा शोर करेंगे, इसलिए मैंने उनको कोई नहीं छेड़ा। और आप लोग सुनाएं, बदलते मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? बस काफ़ी जो है ना चीज़ें जो है ना ड्राई हो गई हैं, बड़ी खुशी होती है देख के बस अल्लाह करे ये वाली जो सारी है ना शेप्स, ये मड वाला, इसकी में मैं मेरा दिल था आज मैं इसकी बना लूँ वीडियो। ये देख ये देखे, ये भी गीला है, ये देखें कितना साफ और क्लियर नजर आ रहा है। बस ये रेड अलर्ट रखी हुई थी कि मैं इसको व्लॉग में क्रम्बल करूंगी। ये देखें कितनी ड्राई है, कितनी डस्टी है। बस आज आपके लिए क्रमलिंगे क्रमलिंगे क्यों, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस था कि मैं जब ये ड्राई होंगे सारे टेक्सचर तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रमलिंग करूँगी। ये देख सारे मेरे सब्सक्राइबर के लिए, सब के लिए देखे कितना रिच कलर आ रहा है रेड रेड का। ये देखे बस मैं वेट कर रही थी कि इसका सारी जो है ना हो जाए ना शेप स्क्रम्बल, तो फिर मैं इसकी ना बनाऊंगी शेप्स। इस मोबाइल में रेड का ज़रा अच्छा कलर आ रहा है। और आप लोगों से एक और बात करनी थी, मुझे याद आ गया कि परवीन बानो है, उनकी अम्मी की कल बरसी है, तो आप लोगों ने स्पेशली उनके लिए दुआ करनी है। जो जो मेरा व्लॉग देख रहा है उन सब ने उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और तीन दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उनके लिए एहसाले सवाब करना है, ज़रूर करना है। और आप लोगों ने उनको दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद करना है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। परवीन बानो आपकी अम्मी हैं तो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, मोहतरम है। हमें पता है कि कैसे माँ बाप की जब होती है ना याद, तो फिर इंसान जो बच्चे होते हैं ना वो कैसे कैसे तड़पते हैं कि हमारे माँ बाप के लिए ऐसा अल्लाह सवाब के लिए कोई भी दुआ करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम आपके अम्मी को हमेशा दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब इनकी अम्मी के लिए आपने ऐसा ले स्वाब ज़रूर करना है। तो बस व्लॉग आज तो क्रमलिंग में ही थोड़ा लंबा हो गया, क्या करूं, तो समझ नहीं आ रही कि इसको इधर ही ख़त्म कर दूं या इसके दो पार्ट कर लूं। तो इस साइड पे तो अभी रेड साइड पे ही टाइम हो गया, ये न्यू टेक्सचर देख ले मैंने बनाया है सैंड सीमेंट का। ये इसमें से एक शेप मैं देखती हूँ कि ये ड्राई है क्यों, मैं अब देखना चाहती हूँ कि कौन सी जो शेप है ना ड्राई है या बस थोड़ी सी है। ये देखें पहले मैंने व्लॉग बनाया फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे ना हार्ड टेक्सचर जो हो जाते हैं ना वो नहीं पसंद, ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, ये देखें। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है। आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे बताया है कि मोबाइल का जो है ना रिज़ल्ट वो ठीक नहीं है, तो शुक्रिया आप लोगों का। मैं इंशाल्लाह अब उसमें नहीं बनाऊंगी, मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो आप बना लिया व्लॉग तो लगा ही लेते हैं। ये वाली एक स्लैब थी, ये हार्ड थी, इस पे बारिश पड़ गई थी ना तो इस वजह से ये थोड़ी हार्ड हो गई। ये देखें ये आज अरूज ने बनाई है सारी शेप्स, ये देखें ब्राउन टेक्सचर की, आपको वाजह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि ये ब्राउन है और ये येलो है, आपको येलो भी नज़र आ रहा होगा कि ये येलो है, ठीक है। और ये भी बच्चों ने ही बनाया है, बच्चे बनाते हैं सॉफ्ट सा हाथ करके बनाते हैं ना तो वो ना बड़ा प्यारा होता है ना उसका रिज़ल्ट। तो चलें फिर व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं ना व्लॉग को इतना लंबा कैसे करूं, फिर पता है उसको अपलोड करना और उसको स्पेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा, तो फिर वो ना अपलोडिंग ना में ना मसला बन जाता है। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे भी दुआ में याद रखना है और परवीन बानो की अम्मी के लिए ज़रूर ज़रूर दुआ करनी है और अपना भी ख्याल रखना है। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा माल्टे खाने हैं, ये भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मौसम में माल्टे खाएंगे ना तो फिर आप लोगों की जो स्किन है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बस फिर और क्या कि चलें देखते हैं कि व्लॉग को पार्ट वन में करती हूँ या पार्ट टू में करती हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना काफ़ी 15 मिनट का हो गया है, तो इस साइड पर मैं जाके ना 16 मिनट का कर दूँ व्लॉग को, क्योंकि फिर व्लॉग हो जाएगा 16 मिनट का तो मैं ना फिर इसमें ना फिर मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी कि पार्ट वन भी 8 मिनट का हो जाएगा और पार्ट टू जो है ना वो भी 8 मिनट का हो जाएगा। बस ये देखें देखें कितनी डस्ट हो रही है।
ये भी अरूज ने बनाया है ना शेप्स, तो काफ़ी सॉफ्ट देखें, बड़ी ज़बरदस्त इसमें से डस्ट उड़ी है। तो एक और शेप कर लूँ, ये देख आप लोगों को पसंद है क्रमलिंग से भरा हुआ व्लॉग, तो आज क्रमलिंग से भरा हुआ ही व्लॉग है। चले ठीक है इंशाल्लाह, बट 16 मिनट का हो गया मेरा व्लॉग, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कल फिर व्लॉग बनाऊंगी। आज इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।